पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर होता है तभी मकर संक्रांति होती है। वैसे संक्रांति हर महीने होती है, परंतु कर्म और मकर राशियों पर सूर्य के आने से विशेष महत्व होता है। यह संक्रमण क्रिया 6-6 महीने के अंतर से होती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण स्थित रहने पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। सूर्य दक्षिणायन रहने पर रात्रि बड़ी और दिन छोटे होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को होती है। इस दिन गंगा स्नान तथा ब्राह्मणों को दान देने का विधान है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहा जाता है।